तो मैं पिछले 2017 से लगभग बैक पेन से सर्वाइव कर रहा था और बहुत बैक पेन रहता था। फिर मैं जो रोज मतलब डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो करने में बहुत परेशानी होती थी। बैंड होना, झुकना या ज़्यादा देर खड़ा होना, इस तरीके की चीज़ों में बहुत परेशानी हुआ करती थी। फिर और लास्ट 2 मंथ से मेरे थाई में और लेग में शिवरिंग और सुन्नपन होना चालू हो गया था। उसके बाद डॉक्टर हमजा शेख से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया स्पाइन की सर्जरी, और जब उन्होंने स्पाइन की सर्जरी करी उसके बाद से वो जो थाई में मेरे पेन था और फीट के अंदर पेन था वो पेन बिल्कुल रिलीफ हो गया। अभी मैं वॉक कर पा रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा उन्होंने बोला है कि 2 मंथ 3 मंथ का टाइम लगेगा, तो अब मेरे को वापस जैसा मैं पहले था वैसा आने में, थोड़ी एक्सरसाइज बताई है, लेकिन जो पेन था वो पेन मेरे को कम्प्लीटली अभी नहीं है। कंप्लीट पेन खत्म हो चुका है मेरा, मुझे इससे बहुत रिलीफ अभी तक तो मिला है और होप आगे भी मिले। और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, जितने भी मतलब यहाँ के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सब नर्सिंग हर कोई अच्छी तरीके से देख रहा है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है। किसी भी चीज़ के लिए अगर बोल रहे हैं तो कहने से पहले वो काम सारा कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हमजा शेख, कंसल्टेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल। ये पेशेंट अनवर मेरे पास आए थे ओपीडी में, बहुत ही सीवियर पेन था इनको, और जो पेन बैक पेन और साथ में लेग में भी जा रहा था। एमआरआई करा के देखी, उसमें L4 L5 की बहुत बड़ी डिस्क थी, इतनी बड़ी डिस्क थी जिसकी वजह से वो बेचारे 2 दिन से लेट भी नहीं पा रहे थे। डिस्क का साइज देख के और इनकी तकलीफ देख के मैंने इनको सर्जरी सजेस्ट करी। इन्होंने समझी, इनकी प्रॉब्लम समझी और मेरी बात समझी और सर्जरी कराने के लिए एग्री हुए। जिस दिन सर्जरी हुई उसके नेक्स्ट डे से इनका नेक का पेन चला गया और ये अपने आप चलने के लायक हो गए। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और 2 दिन के अंदर ये डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और नॉर्मली ये जो डिस्क की सर्जरी होती है, पेशेंट आज अगर एडमिट होता है तो नेक्स्ट डे से चलने के लिए हो जाता है, इसमें कोई बेड रेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती आज की डेट में। और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है, पेशेंट का बैक पेन और लेग पेन इमिजिएटली इम्प्रूव हो जाता है।